çıkalım. Yalta burada var. Burada var, burada var. Hadi çıkalım. Yalta burada var. Burada var, burada var. Hadi çıkalım. Yalta burada var. Burada var. कब से आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? धरना प्रदर्शन तो हमारा हो गया आज 21वां दिन, 21 दिन हो गया धरना प्रदर्शन करते हुए। और इस धरना प्रदर्शन से लगता है काम बनने वाला नहीं है, क्योंकि ये मुख्यमंत्री गंडक जो लेवल 1 हो चुका है, ये यहाँ आया है और आज 3 दिन से केवल अपने आवास पर बैठा हुआ है। आवास पर बैठने के बाद में वहाँ सारे अधिकारियों को बुला ले रहा है, अधीनस्थ अधिकारी हैं, सभी वहाँ बैठ जा रहे हैं, सभी सारा काम, केवल चेक काटने का काम, टेंडर होने का काम और जितने भी लूट महोत्सव का काम है सभी हो रहा है। किन मांगों के तहत आप यहाँ पे इकट्ठा? हमारी मांग सीधी सीधी सी ये है कि हमको वर्ष 1990 में ये कह के हटा दिया गया कि हम आपकी आवश्यकता नहीं है, विभाग में कार्य नहीं है। हमने इसके विरोध में यहाँ धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें आदेश हुआ वर्ष 1991 में सैफुद्दीन साहब यहाँ थे चीफ इंजीनियर, आदेश हो गया जिसमें आदेश हुआ कि इनको रख लिया जाए। हमको न रखने की जगह पर इन लोगों ने क्या किया, हमको जांच में डाल दिया और बाकी और अन्य स्रोतों से इन्होंने भर्ती शुरू कर दी और इस तरह से इन्होंने कम से कम 400 से लेकर 500 भर्तियाँ कर डाली। ये निकाले गए कर्मचारी, जब हाजिर आ गए तो बात कोर्ट गए, माननीय उच्च न्यायालय आदेश दिया कि इनको रखा जाए। एक आदेश उन्होंने दिया, एंगेज हिम डेली वेजेज एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर अपॉइंटमेंट इफ अवेलेबल विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल बेनिफिट आर बैक वेजेज, दिस इज फाइनल ऑर्डर बाई हाई कोर्ट। आप उसके बाद में कोर्ट ने ये भी कहा कि एक निकाले गए कर्मचारियों की और जो वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों की एक संयुक्त वरिष्ठता सूची, उनकी प्रथम नियुक्ति तिथि दर्शाते हुए जारी की जाए और उसे समाचार पत्रों में भी दे दिया जाए और प्रत्येक याचिकागणों को उसकी प्रति भेज दी जाए। आज तक वो नहीं भेजी है। अच्छा, फिलहाल 21 दिन हो गए आपको धरना देते हुए, अभी तक कितने गंडक विभाग के जिम्मेदार अधिकारी आपसे बात किए? हाँ, अधिशासी अवंता ड्रेनेज खंड गोरखपुर, अधिशासी अवंता सिंचाई खंड गोरखपुर जो पदेन अधिकारी हैं, आज आठवां दिन है, लोगों ने बुलाया, हम लोग गए थे उनके चैम्बर में बैठे, बातचीत होने लगी, उन्होंने कहा धरना हटा लीजिए। हमने कहा किस बात का, क्या कर दिया आपने कि हम धरना हटा लें, अब बताइए हमको। तो उन्होंने कहा कि अरे भाई हम कर तो रहे हैं। हमने कहा अरे 13 साल हो गया कर रहे हैं, जाँच कर रहे हो, किस बात की जाँच कर रहे भाई, कोई जाँच तो दिखाओ। हम तो केवल मांग कर रहे हैं आपसे कि जो निकाले कर्मचारी हैं उनको छोड़ दो, केवल जो अवैध रखे हुए वो सूची जारी कर दो। विगत 21 दिनों से आपने यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जी, आगे क्या रणनीति है आपकी? हमारे मांगे नहीं पूरी होती है? देखिए, मांगे पूरी नहीं होंगी, कल से हम कर्मी कसरत शुरू कर रहे हैं, 24 आवर चलेगा, 3 दिन केवल ये चलेगा, चौथे दिन यहाँ आमरण अनशन शुरू हो जाएगा। अब आप जब आएंगे यहाँ पत्रकार बंधु, जब आप सभी लोग यहाँ आएंगे तो यहाँ एक व्यक्ति को अमरण अनशन में बैठे हुए पाएंगे, वो तब तक बैठा रहेगा या तो वो मर जाए या तो इन लोगों को नौकरी मिल जाए। धरने के दौरान सूचना मिली है कि 9 लोग मृत भी हो चुके हैं जी, क्या इस संबंध में उन्होंने कोई संज्ञान लिया है? रोज लिख के जा रहा है, 9 नहीं अब 10 हो गए, 10 हो गए, अभी एक हफ्ते पहले एक की मृत्यु हुई, उसके बच्चे यहाँ तक हो गया, उस यहीं पर धरना पर बैठा हुआ था, अचानक उसकी तबीयत खराब हुई। हमने कहा कि जब देखते हैं परेशान हो जाएगा, मैं गाड़ी बुलवाया उसको, 1000 रुपया उसको दे करके भेज करके उसके घर भिजवाया, दूसरे ही दिन वो बंदा मर गया। क्या कोई अभी तक किसी अधिकारी द्वारा आश्वासन कुछ मिला है? कुछ नहीं, जांच कर रहे हैं। अरे किसकी जांच कर रहे हो मेरे भाई, मैं भी तो ये चाह रहा हूँ, माननीय जिला अधिकारी महोदय को भी बताना चाहता हूँ, माननीय अपर नगर मजिस्ट्रेट को बताना चाहता हूँ, आपने 3 लेटर लिखा, एक का भी जवाब इन्होंने नहीं दिया, कौन सा प्रशासन काम कर रहा है, क्या करेंगे आप, हमको जेल भेज दो, ज़्यादा से ज़्यादा यही करोगे ना, हमको जेल भेज दो, चूँकि इस शासन में लगता तो यही है कि जेल भेजो, भेज दो ना। नहीं, ये शासन तो कहता है कि हमारे शासन में भ्रष्टाचार कम हुए हैं, और आप कह रहे हैं कि शासन में ये हो रहा है। अब आपके सामने है, मैंने आपको एक दिखाया
कि हमने प्रूफ सहित दिया हुआ है कि नाम है, बाप का नाम है ही नहीं है, और उसको आपने पोस्ट कर दिया। और उनको पोस्ट कहाँ किया आपने? गोरखपुर मैंने डाला और पोस्ट कर दिया, देवरिया बस्ती आजमगढ़ बलिया मऊ वहाँ भेज दिया। यहाँ चोरी कुछ करना चाहेंगे है? हमारे चैनल के माध्यम से अंतिम तौर पर मैं एक सीधी सी चेतावनी शासन को देना चाहूँगा, इस प्रशासन को भी देना चाहूँगा कि अभी यहाँ का माहौल जो है शांतिपूर्ण है, लेकिन एक चीज़ जान लीजिए, कल से कभी कंसर्न होगा, 24 घंटे यहाँ आदमी मरेंगे तो इसका एक बदलाव होगा। और जब अमरण से शुरू हो जाएगा तो या तो मरना है या तो लेके उठना है।